अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ये हमारा सेकंड पार्ट है। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है, पहले ये जो क्वेश्चन है, यूनिट्स 4000 कॉस्ट 22,000, यूनिट्स 5000 कॉस्ट 27,000। देयर इज अ स्टेप ऑफ रुपीज 1000 इन फिक्स कॉस्ट व्हेन एक्टिविटी एक्सीड्स 6500 यूनिट्स। कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ 45,000 यूनिट्स 7000 यूनिट्स। ये एक पेज पे उतार लेंगे आप लोग, ठीक है? हाँ उसके बाद दूसरे पेज पे, एक पेज पे वो क्वेश्चन उतारने के बाद एक पेज आप छोड़ देंगे पूरा, ठीक है? इतना कि हमारे हाईलो के चारों स्टेप्स आ जाएं, फिर दूसरे को पे ये उतारेंगे। यूनिट्स 4000 5000 कॉस्ट 22,000 27,000। देयर इज अ स्टेप ऑफ रुपीज 1000 इन फिक्स कॉस्ट व्हेन एक्टिविटी एक्सीड्स 32,000 यूनिट्स। कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ 2500 यूनिट्स एंड 5400 यूनिट्स, ठीक है? फिर इस क्वेश्चन को उतारने के बाद फिर आप पेज छोड़ देंगे एक आगे पीछे से, ठीक है? फिर तीसरे पेज पे आएंगे और वहां पे आप ये क्वेश्चन को उतार लेंगे। यूनिट्स 6000 8000 कॉस्ट 32,000 43,000। देयर इज अ स्टेप ऑफ रुपीज 1000 इन फिक्स कॉस्ट व्हेन एक्टिविटी एक्सीड 7100 यूनिट्स। कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ 5400 यूनिट्स एंड 10,000 यूनिट्स। इस तरह तीन अलग अलग पेज पे आपने ये तीनों अलग अलग क्वेश्चंस उतार लेने, ठीक है जी? अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं। मुझे यूनिट्स दिए हुए 4000, कॉस्ट दी हुई है 22,000, यूनिट्स दिए हुए 5000, कॉस्ट दी हुई 27,000। देयर इज अ स्टेप ऑफ 1000 इन फिक्स कॉस्ट व्हेन एक्टिविटी एक्सीड 6500 यूनिट्स। मुझे कैलकुलेट करनी है टोटल कॉस्ट 4500 यूनिट्स की और 7000 यूनिट्स की। सबसे पहले वही हाईएस्ट और लोवेस्ट तो इसमें अलग अलग हुए हुए हैं, क्योंकि निकाल मतलब करने की जरूरत नहीं है क्योंकि डेटा ही एक है, ठीक है? अच्छा, अब अगर करना चाहो तो कर लो, ठीक है? फिर मैंने क्या किया, मैंने अब मुझे निकालना है सबसे पहले हाईएस्ट और लोवेस्ट कॉस्ट अलग अलग करने, यूनिट्स अलग अलग करने के बाद स्टेप टू में मैं करती हूँ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। उसका फॉर्मूला लगाया मैंने, हाईएस्ट कॉस्ट माइनस लोवेस्ट कॉस्ट, हाईएस्ट यूनिट्स माइनस लोवेस्ट यूनिट्स, ठीक है जी? हाईएस्ट एक्टिविटी माइनस लोवेस्ट एक्टिविटी, मैंने ये तमाम चीजें यहाँ पुट कर दी। मेरी हाईएस्ट कॉस्ट 27,000, लोवेस्ट कॉस्ट 22,000, हाईएस्ट एक्टिविटी 5,000, लोवेस्ट एक्टिविटी 4,000, ठीक है? उसके बाद जब माइनस करेंगे ये आ जाएगा 5,000, 1,000 डिवाइड करेंगे मेरे पास आ जाएगी मेरी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो कि है 5। थर्ड में मुझे निकालना होता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट की मदद से मैं निकालती हूँ फिक्स कॉस्ट। फॉर्मूला लिखूंगी, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय यूनिट, मर्जी है हाईएस्ट लें या लोवेस्ट लें, मैं हाईएस्ट ले रही हूँ, ठीक है? 27,000 फिक्स कॉस्ट मालूम नहीं, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 5, अगर हाईएस्ट कॉस्ट लेंगे तो हाईएस्ट यूनिट्स लेंगे 5,000, पुट करके मैंने फिक्स कॉस्ट निकाल ली। अब मुझे टोटल कॉस्ट निकालनी है, जिस तरह सवाल में लिखा हुआ है, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ 4500 यूनिट्स एंड फॉर 7000 यूनिट्स, ठीक है जी? अब एक एक और बात, इससे पहले जो मैंने आप लोगों को सवाल करवाया था अपने पार्ट वन वाली वीडियो में, उसमें फिक्स कॉस्ट जो हमने हायर मेथड सीखा था निकालना, वहां ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ था कि देयर इज अ स्टेप ऑफ रुपीज दिस मच रुपीज आफ्टर दिस एक्टिविटी। वहां पे ऐसा कोई जिक्र नहीं था, हमने वहां पे सिंपल हमें हाईएस्ट और लोवेस्ट एक्टिविटीज दी नहीं थी, मैंने पुट करके जो है अपनी फिक्स कॉस्ट से टोटल कॉस्ट निकाल ली थी। लेकिन यहाँ पे ये बात लिखी भी, यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर इज अ स्टेप ऑफ 1000 इन फिक्स कॉस्ट व्हेन एक्टिविटी एक्सीड 6500, के यानी के मेरी जो फिक्स कॉस्ट है वो 1000 रुपए से बढ़ जाएगी, स्टेप आएगा
जब मेरी एक्टिविटी 6,500 से ज्यादा होगी। आई रिपीट, मेरे जो फिक्स कॉस्ट है वो 1,000 से बढ़ जाएगी अगर मेरी एक्टिविटी एक्सीड करेगी 6,500 को। अगर मैं डेटा को देखूं तो डेटा में मेरी एक्टिविटी 6,500 हुई नहीं है, यहाँ 4,000 है, यहाँ 5,000 है। इसका मतलब कि इस डेटा की मदद से जो मैंने फिक्स कॉस्ट निकाली है वो विदाउट स्टेप है। कैसा ही है, क्योंकि मेरे डेटा में तो स्टेप आया ही नहीं है ना। अगेन आई रिपीट, यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन ये लिखी हुई है कि देयर इज अ स्टेप ऑफ 1,000 इन फिक्स कॉस्ट व्हेन एक्टिविटी एक्सीड 6,500 यूनिट्स, कि मेरी एक्टिविटी जब 6,500 से बढ़ेगी तो मेरी फिक्स कॉस्ट में 1,000 रुपए से इजाफा होगा। ये लाइन पढ़ते ही मैंने अपने डेटा पे नजर डाली तो वहां देख के मुझे अंदाजा हुआ कि यार मेरे पास तो डेटा में मेरी एक्टिविटी एक्सीड हुई नहीं है। यानी कि अब इस डेटा की मदद से जो भी मैंने फिक्स कॉस्ट निकालूंगी वो विदाउट स्टेप होगी, क्योंकि स्टेप तो आया ही नहीं है। ठीक है, 6,500 पे तो पहुंची ही नहीं है मेरी एक्टिविटी। सिंपली मैंने जो है पहले वेरिएबल कॉस्ट निकाला और मैंने फिक्स कॉस्ट निकाली। अब मुझे निकालना है फॉर 4,500 यूनिट्स। मैंने वही फॉर्मूला लिखा, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स। फिक्स कॉस्ट है मेरी 2,000, वेरिएबल कॉस्ट यूनिट 5, यूनिट्स मेरे हैं 4,500, मैंने निकाल लिया अपनी टोटल कॉस्ट। अब मुझे निकालनी है फॉर 7,000 यूनिट्स। अब मैं यहाँ पे फिक्स कॉस्ट 2,000 नहीं लूंगी, क्योंकि 7,000 पे तो स्टेप तो आ गया है ना। वही क्या डेटा में लिखा है कि जैसे ही मेरी एक्टिविटी 6,500 को पहुंचेगी मेरी फिक्स कॉस्ट में 1,000 रुपए से इजाफा हो जाएगा। तो यहाँ तो वो मुझसे कॉस्ट मांग रहे हैं 7,000 की, तो फिक्स कॉस्ट यानी कि मैं अपनी फिक्स कॉस्ट के अंदर 1,000 रुपए को शामिल करूंगी। क्यों? क्योंकि मैंने जो यहाँ इस डेटा की मदद से जो फिक्स कॉस्ट निकाली थी वो तो विदाउट स्टेप थी, लेकिन जो मुझसे वो टोटल कॉस्ट मांग रहा है वो तो विद स्टेप वाली टोटल कॉस्ट मांग रहा है। तो मैं 2,000 प्लस 1,000 लूंगी। अब मेरी फिक्स कॉस्ट हो जाएगी 3,000। अगेन बाकी सब वही वैल्यूज पुट करके मैं अपनी टोटल कॉस्ट निकाल लूंगी। ये था पहला क्वेश्चन। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। ठीक है जी, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। यूनिट्स 4,000, 5,000, 22,000, 27,000। यहाँ लिखा हुआ देयर इज अ स्टेप ऑफ रुपीज 1,000 इन फिक्स कॉस्ट व्हेन एक्टिविटी एक्सीड 3,200 यूनिट्स। क्या मेरी फिक्स कॉस्ट 1,000 रुपए से भर जाएगी जब एक्टिविटी होगी 3,200 यूनिट्स? अगेन, मेरी जो फिक्स कॉस्ट है वो 1,000 से भर जाएगी जब मेरी एक्टिविटी होगी 3,200 यूनिट्स। अब मैंने डेटा पे नजर डाली तो यहाँ पर भी 3,200 से ये गुजर गई है, यहाँ 4,000 है, और यहाँ पर भी गुजर गई, यहाँ 5,000 है। इसका मतलब ये है कि मेरी जो भी फिक्स कॉस्ट मैं निकालूंगी वो मैं उसके अंदर स्टेप शामिल होगा। क्यों? क्योंकि मेरे डेटा में ही स्टेप आ गया है। सही है, 3,200 तो 4,000 के अंदर भी होता है और 5,000 में भी होता है, यानी कि मेरे डेटा में स्टेप आ चुका है। अगेन मैंने सिंपली इस डेटा सेम है तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 5 आएगी, फिक्स कॉस्ट 2,000 आएगी। सही है, आप लोग करके देख लीजिएगा क्योंकि डेटा सेम है, दोबारा करनी रही। अब मुझे निकालनी है फॉर 2,500 यूनिट्स। 2,500 यूनिट्स के लिए जब मैं निकालूंगी तो अब मैंने फॉर्मूला लिखा, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स। मैंने इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है जी, टोटल कॉस्ट, अब मैं यहाँ पे अपनी फिक्स कॉस्ट 2,000 नहीं लूंगी। क्यों नहीं लूंगी? क्योंकि मुझे टोटल कॉस्ट मालूम करनी है 2,500 यूनिट्स के लिए। 2,500 पे तो स्टेप नहीं आया है, स्टेप कब आएगा? 3,200 पे स्टेप आएगा, 3,200 पे 1,000 से स्टेप आएगा। लेकिन मैं मुझे मालूम करना है जो डेटा ने मुझसे जो टोटल कॉस्ट मांगी है वो मांगी है 2,500 की। तो 2,500 पे तो स्टेप नहीं आया तो मैं अपनी फिक्स कॉस्ट में से स्टेप को माइनस करूंगी। पिछले वाले सवाल में स्टेप आ गया था 7,000 पे, तो मैंने 2,000 के अंदर 1,000 ऐड किया था, लेकिन यहाँ मुझसे 2,500 के लिए मांगा है। तो
स्टेप आएगा 3200 पे, मुझसे 2500 के लिए मांगा है, तो स्टेप 2500 पे नहीं आएगा तो मैं स्टेप माइनस करूंगी। क्यों माइनस करूंगी? क्योंकि जो डेटा मुझे दिया हुआ था उसमें स्टेप शामिल था, जब स्टेप शामिल था जो फिक्स कॉस्ट मैंने निकाली थी वो फिक्स विद स्टेप निकाली थी। अब जब मुझसे जो रिक्वायरमेंट में जो टोटल कॉस्ट मांगी है वो मांगी है 2500 की, वो मैं वहां पर मुझे स्टेप नहीं चाहिए तो मैं 1000 को माइनस करूंगी। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मेरी 5 है, 5000 यूनिट्स है मेरे 2500, मल्टीप्लाई करके मेरा आंसर आ जाएगा 13500। ठीक है जी, इसकी जो कैलकुलेशन है ना इसको छोड़ के यहाँ नीचे देख लीजिएगा, 2500 पे माइनस है 2000, माइनस 1000 हजार, और 500, 5400 पे 2000 ही है। क्यों? क्योंकि स्टेप आ गया था 3200 पे तो मुझसे मांगा है 5400 का। ठीक है जी, अब मैं आगे वाले क्वेश्चन पे आऊंगी। क्वेश्चन नंबर 3 में मुझे डेटा दिया हुआ है, यूनिट्स है मेरे 6000 और 8000, और कॉस्ट है मेरी 32000 और 43000। देयर इज अ स्टेप ऑफ ₹1000 इन फिक्स कॉस्ट व्हेन एक्टिविटी एक्सीड 7100 यूनिट्स। वो कह रहा है कि स्टेप आएगा कब, 1000 रुपए से स्टेप आएगा जब मेरी एक्टिविटी 7500 से एक्सीड हो जाएगी। अब अगर मैं डेटा देखूं तो यहाँ तो स्टेप नहीं आया, लेकिन यहाँ तो स्टेप आ चुका है। मैंने आप लोग को 3 सवाल करवाए, एक में दोनों में स्टेप नहीं था, सही है, एक में दोनों में स्टेप था। अब तीसरे वाले में एक में स्टेप है, 8000 वाले में 7 स्टेप है, लेकिन इसमें स्टेप नहीं है। तो इस सूरत हाल में क्या है, हमें न करना होता है बराबर। ठीक है, अगर आप लोग देखो कि या तो दोनों में स्टेप हो या दोनों में स्टेप नहीं है, ठीक है, अगर एक में स्टेप है और एक में स्टेप नहीं है तो छोटी सी एक एडजस्टमेंट करेंगे। क्या एडजस्टमेंट करेंगे? जितने से भी स्टेप आ रहा होगा ना वो हम जिसमें स्टेप होगा उसमें माइनस करवा देंगे, या आप माइनस करवा दो 1000, या आप यहाँ पे लाके ऐड करवा दो ताकि ये दोनों बराबर हो जाए। ठीक है जी, मैंने माइनस करवाया है। अगर अगेन आई रिपीट, अगर आप कोई ऐसी एक्टिविटी देखो जिसमें एक में स्टेप हो और एक में स्टेप ना हो तो सवाल सॉल्व करने से पहले एक छोटी सी एडजस्टमेंट कर लेना। जितने रुपए से भी स्टेप आ रहा है वो उतने रुपए से जहां पे स्टेप है वहां से उसको माइनस कर दो। जैसे कि स्टेप कहाँ आ रहा है, यहाँ 8000 में स्टेप आ रहा है क्योंकि 7100 में से स्टेप आना शुरू हो गया है, तो मैंने 43 में से 1000 माइनस कर दिए। अब जो है मुझे कॉस्ट मालूम करनी है कितने से, 5400 की और 10000 यूनिट्स की। अगर मैं सवाल को सॉल्व करूंगी जो कि आप लोग करिएगा, तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट हाईएस्ट कॉस्ट माइनस लोवेस्ट कॉस्ट, हाईएस्ट एक्टिविटी माइनस लोवेस्ट एक्टिविटी पुट करके वेरिएबल कॉस्ट मैंने निकाली जो कि है मेरी 5। ठीक है, अब हाईएस्ट से मैंने अगेन, इससे पहले जो मैंने सवाल करवाया था आपको हाई लो का, वहां पे अगर हम हाईएस्ट से कर रहे थे तब भी वहां पे मेरा सेम फिक्स कॉस्ट आ रही थी, लोवेस्ट से कर रहे थे तब भी सेम आ रही थी, लेकिन इस वाले सवाल में, सही है, जहाँ पे एक एक्टिविटी में स्टेप है और एक एक्टिविटी में स्टेप नहीं है, यहाँ पे हाईएस्ट और लोवेस्ट से सेम फिक्स कॉस्ट आ ही नहीं सकती। कॉमन सेंस की बात है ना, एक में स्टेप है एक में स्टेप नहीं है तो दोनों में किस तरह सेम आएगी। तो मैंने हाईएस्ट और लोवेस्ट दोनों से मैं स्टेप निकाल, दोनों से मैंने फिक्स कॉस्ट निकाली। ठीक है, हाईएस्ट से निकाली तो 3000 आई, लोवेस्ट से निकाली तो 2000 आई। अब मुझे निकालनी है टोटल कॉस्ट निकालनी है 5400 की। ठीक है जी, याद रहे ये बात, इस 43000 वाले में स्टेप है और यहाँ पे स्टेप, ये विद, ये जो फिक्स कॉस्ट आई है ये विद स्टेप आई है, और ये जो फिक्स कॉस्ट आई है ये विदाउट स्टेप आई है, सही है। अच्छा जी, अब मुझे निकालनी है 5400 के लिए। अब जब आप लोग 5400 की कॉस्ट निकालोगे तो
तो आप लोग कैसे लिखोगे? टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स। यहाँ मैं काम कर रही हूँ फॉर 5,400। फिक्स कॉस्ट लोगे यहाँ पे 2,000, क्योंकि 5,400 पे स्टेप नहीं आया है, तो बगैर स्टेप वाली फिक्स कॉस्ट लोगे। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट 5 है, यूनिट्स आपके कितने हैं? 5,400। कैलकुलेट करके अपनी टोटल कॉस्ट निकाल लेना। अब जब इसकी बारी आएगी 10,000 के लिए, तो आप वहां पे लिखोगे टोटल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट होगी 3,000, क्योंकि 10,000 पे तो स्टेप आ गया है ना। सही है, ये तीन सवाल याद रखना। एक तो होता है सिंपल हाई लोड मेथड, जहां पे स्टेप का कोई जिक्र ही नहीं है, लेकिन अगर स्टेप का जिक्र आ गया है तो ये देखना कि जहां मुझे जाना है वहां स्टेप चाहिए या नहीं चाहिए। सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ना, फिर डेटा में जाना, फिर रिक्वायरमेंट देखना कि जहां मुझे जाना है वहां स्टेप चाहिए या नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो ले लेना, नहीं चाहिए तो हटा देना। ठीक है जी। और जो तीसरा वाला क्वेश्चन है उसमें ये रिक्वायरमेंट है कि एक में स्टेप था एक में स्टेप नहीं था, तो जिसमें स्टेप था मैंने उसमें से उतने रकम माइनस कर दी स्टेप की, और फिर जो है मैंने हाईएस्ट और लोवेस्ट दोनों से फिक्स कॉस्ट निकाली, और जहां पे जिस रिक्वायरमेंट में मुझे स्टेप के बगैर वाली है तो मैंने वहां पे स्टेप के बगैर वाली फिक्स कॉस्ट इस्तेमाल की, और जिस रिक्वायरमेंट में विद स्टेप है तो मैंने फिक्स कॉस्ट के साथ वाली इस्तेमाल की। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।